नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम सितंबर मंथ का क्यूओडीटी पार्ट्स करेंगे। इसमें देखेंगे ज्योमेट्री के चार क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम इंस्टॉलमेंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स को वो कल तक आएंगे। और इस वीडियो के लिए आप जो चार क्वेश्चन की पीपीटी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपसे ना हो तब भी आप वीडियो देखिएगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑफ इंटरसेक्ट एट बी, इफ एंगल ए पी सी 40 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल पी ओ डी इज। दोस्तों जिसका आंसर होगा वो होगा 2 × 40 डिग्री मीन्स 80 डिग्री। ठीक है, तो हम सर्कल बना लेते हैं एक। तो हमारा सर्कल बन गया, दो कॉर्ड बनाते हैं, एक हमारा ए पी ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया। ठीक है, और हमारे पॉइंट पी हो गया। ठीक, तो हमें क्या रखा है, एपीसी कितना है 40 डिग्री। ठीक है, और सेंटर हम यहाँ पे ओ ले लेते हैं, ये सेंटर ओ है हमारा। ठीक, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम एओ सी चाहिए हमें, तो एओ सी मिला लेते हैं। तो थोड़ा आर डेटा मिलेगा, आप अपने कॉपी में ढंग से मिला लीजिएगा, क्योंकि पैड तो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉपी के बनाने के मुकाबले में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा एंगल ए ओ सी है वो टू ऑफ एंगल ए डी सी होगा। ठीक है, अगर आप ए डी मिला दो और बी सी मिला लो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, और आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें मान लो हमारा ये आर्क हो गया एक्स वाई। ठीक है, हमारा ये आर्क हो गया, इस आर्क से हमने सेंटर पे एंगल बना दिया और एक सर्कमफेरेंस का एंगल बना दिया। मान लो सर्कमफेरेंस का एंगल का वैल्यू थीटा है, तो जो सेंटर पे बना है उसकी वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सेम कोसाइन यहाँ पे लगाया। ओके, तो आप अपने कॉपी में बना लोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी के बराबर है 2 एंगल ए डी पी, क्योंकि ए डी सी और ए डी पी एक ही एंगल है। ठीक है, वाला एंगल हमारा ए डी सी हो गया। ठीक, आप देख सकते हैं जो एंगल बी ओ डी है वो 2 ऑफ एंगल बी ए डी होगा, 2 ऑफ एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, इस एंगल के मुकाबले ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो एंगल बी डी तो पी ए डी हो गया। ठीक है, इसको हम पी ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ट्रायंगल ए पी डी में देखिए, ट्रायंगल ए पी डी आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे अलग से। ये हो गया, ये डी हो गया, ये पी हो गया और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री है। ट्रायंगल एडीपी में, एपीडी में जो हमारा ये एंगल एपीसी है, एक्सटीरियर एंगल है, तो जो हमारा एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल पीएडी प्लस एंगल एडीपी। ठीक है, तो आपको पता है एंगल पीएडी क्या है, हाफ ऑफ एंगल बीएडी बीओडी, तो ये हाफ ऑफ एंगल पीओडी प्लस एडीपी का है हाफ ऑफ एंगल एओसी, तो हाफ ऑफ एंगल एओसी। इसको आप सॉल्व करोगे तो जाएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इक्वल टू 2 एंगल एपीसी मीन्स 2 × 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन ये मेंस में आया था पिछले साल 30 नवंबर को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर 80 हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो आपको याद करा देता हूँ। देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन हमें एपीसी गिवन है। ठीक है, अगर हमें एपीसी गिवन है तो हमसे एओसी पूछेंगे। देखिए ओ के जगह पी और ओ का अब एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा पूरा मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, हमें एंगल एपीसी गिवन है। ठीक है, तो एंगल पी की जगह ओ लिख लो तो ये एंगल एओसी हो जाएगा। ठीक है, अब बचे क्या, दो वैल्यू, दो पॉइंट बचेंगे आप बी ओ डी बचे हैं। ठीक है, क्योंकि दो कार्ड होंगे, चार दो पॉइंट तो हमने ले लिए, तो बचे ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो बाकी दो पॉइंट लिख लो बी ओ डी, उसके बीच में वो लिख दो। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल निकालने को पूछेंगे अगर हमें वाला एंगल दिया किया होगा तो। ठीक है, तो आप ऐसे रट लीजिएगा, पी की जहाँ पे ओ चेंज कर दीजिएगा, फिर बी डी जो बचा है बी डी के बीच में वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल गिवन है, इसका एरिया बता रहा है। इस ट्रायंगल में दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल।
ठीक है, इसकी वैल्यू 12 है रेडियस की, इसकी 3 है, तो ये मैं इस पॉइंट को मिला लेता हूँ, ठीक है, और इन्हें मिला लेता हूँ, ओके, इधर ही मिला लेता हूँ, इधर मिला लेता हूँ, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे कॉपी में कर दीजिए क्योंकि ये फिगर ढंग से क्लियर नहीं है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं पॉइंट लेता हूँ कुछ, इसको मैं ए लिख लेता हूँ, इसे एच लिख लेते हैं, इसे बी, इसे सी, ठीक है, और इसे डी, इसे ई। तो मैंने फिगर ऐसी मिली थी, ठीक है, ये मुझे किसी ने भेजा था, तो इसको मैंने सेव कर लिया था इस पिक्चर को, और काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है, ठीक है। और आप इन दोनों पॉइंट को बना लीजिए, यहाँ पे एन लिख लेते हैं और यहाँ पे ओ कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, थोड़ा पॉज करके गाढ़ा कर दिया जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इसको आप कॉपी में एक बार लिख लीजिए। देखिए पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट एच है, ये बी है, ये डी है, ये ई, सी, जी, एफ, ठीक है, ये एम, ये एन, ठीक है, ये वाला पॉइंट ओ हो गया, ये 90 डिग्री पे कट रहा है, ठीक है, ये डी हो गया, यहाँ पे देखो एक्स वैल्यू है, एक्स है क्या है हमारा सी, सी इक्वल टू सी जी, इक्वल टू मैंने एक्स ले लिया, तो सी और सी जी है, ये दोनों टेंजेंट है स्मॉल सर्कल के, वैसे ही सी एफ इक्वल टू सी डी, ये दोनों टेंजेंट दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। वैसे ही मैंने ए एच इक्वल टू ए एफ, ठीक है, इन दोनों को मैंने एच इक्वल टू एफ इक्वल टू वाई ले लिया, क्योंकि दोनों बड़े सर्कल के टेंजेंट है, ठीक है, जो एक ही पॉइंट से हैं, ठीक है, और एच बी इक्वल टू 12 है, ठीक है, एम एन इक्वल टू 15 है, और बी डी इक्वल टू 12 है, डी बी लिख लेते हैं, इक्वल टू 12 है, और वैसे ही और कुछ बचा, ठीक है, एम ओ इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्यों, एम डी 12 है, एम डी 12 है और ओ डी 3 है, तो एम ओ 9 हो जाएगा, ठीक। सब सॉल्व करते हैं, अब राइट पैन से आते हैं, तो आप ट्राइंगल एम ओ डी में देखिए, ट्राइंगल एम ओ डी में जो हमारे हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ओ एन की वैल्यू चाहिए, तो ओ एन इक्वल टू रूट ऑफ एम एन स्क्वायर मीन्स 15, क्योंकि एम एन 15 है, 15 स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर मीन्स 9, मीन्स 9 स्क्वायर, तो ओ एन की वैल्यू दोस्तों 12 हो गई है, ओ एन की वैल्यू 12 हो गई, डी की वैल्यू भी 12 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ट्राइंगल सी एन ई, सी एन ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एम डी, क्यों, क्योंकि इसमें एंगल ई इक्वल टू एंगल डी है और दोनों में एंगल सी कॉमन है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सी ई अपॉन सी डी, आप साथ में कॉपी में करते रहिए, सी अपॉन सी डी इक्वल टू एन ई इक्वल टू एम डी, ठीक। तो इसका मतलब हुआ एक्स सी के बारे में एक्स मान रखिए, एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 इक्वल टू 3/12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 मिल गई है, इसके बाद बी सी वैल्यू मिल जाएगी, बी सी इक्वल टू बी डी 12 है, डी 12 है और ई सी 4 है, तो बी सी वैल्यू 28 हो गई, ठीक है। अगर हमें अब ए बी मिल जाए, ठीक है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो हम इस वाई को निकालने फोकस करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में हमें ए बी पता है 5 + 12 है, बी बी सी पता है 28 है, और ए सी पता है हमारा वाई प्लस जो हमारा एफ सी होगा, इसे थोड़ा मिटा दूं, आपने इतना लिख लिया होगा, ठीक है, तो पूरा मिटा देता हूँ, पूरा एक सेकेंड रुक जाइए, तो कंटिन्यू करते हैं। हमें बी सी 28 मिल चुका है और सी एफ इक्वल टू सी डी 16 हो गया है, क्योंकि हमें 12 ये 4 है, तो ये भी 12 और 4 होगा, इस इक्वल टू 4, ठीक है। तो आप ट्राइंगल ए बी सी में देखिए, ट्राइंगल ए बी सी में देखने को कह रहा था मैं, ट्राइंगल ए बी सी में हमें ए बी पता है कितना है, ये वाई प्लस 12 है, बी सी पता है हमें कितना है, ये हमें 28 पता है, ठीक है, और ए सी कितना पता है हमें, ये हमें वाई प्लस 16 पता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे क्या हो जाएगा, वाई प्लस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस 28 होल स्क्वायर,
ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 84। ठीक है, अगर y की वैल्यू 84 हो गई तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 84 प्लस 12 96। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 96 इंटू 28। ठीक है, सॉल्व करते हैं, दूसरे से काटेंगे 14 आ जाएगा, 4 6 84, 14 9 126 और 8 134, तो इसका आंसर हो गया 1344। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है तो सर बहुत थोड़ा लेंथ तो क्वेश्चन था समझाने के लिए, नहीं तो 3 4 लाइन में था, मीन्स 3 कॉन्सेप्ट लगाने थे इसमें। 3 कॉन्सेप्ट क्या थे कि जो हमारा एक ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि सिमिलर ट्राइंगल हो गया, हाँ दूसरा ट्राइंगल कॉन्सेप्ट ये था कि हमें ये जो वाली वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आप सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते थे इसे, ये मैंने दूसरे वाले मेथड से निकाल दिया। तीसरा मेथड क्या था इसमें, हाँ कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और टेंजेंट, जो टेंजेंट का यूज किया है कि टेंजेंट एक पॉइंट से बराबर होता है। ठीक है, बस ये दोनों चीज याद करें और सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक त्रिभुज एबीसी में, इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, ट्राइंगल एबीसी है, बी और सी एफ दो मीडियंस है, मध्यिका मीन्स मीडियंस, लंबवत मीन्स परपेंडिकुलर, दोनों मीडियंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अगर ए बी वैल्यू 19 है, ए सी वैल्यू 22 है, तो बी सी वैल्यू क्या होगी, उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, अगर आपको मेरे बोलने से और हिंदी में समझ में नहीं आया तो। ये दोस्तों ए, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी वैल्यू 19 है और ए सी की वैल्यू 22 है। ठीक है, तो अब बी और सी एफ, बी और सी एफ दोनों मीडियंस है, मीन्स ये बराबर बांट रहे हैं इन्हें। ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर कट रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ए बी वैल्यू 19 है, बी सी ए सी वैल्यू 22 है, तो बी सी वैल्यू बताओ। तो दोस्तों का बहुत सिंपल सा आंसर होता है, जो हमारा बी सी होता है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 5। तो इसको याद करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसको रट लीजिएगा, ये बहुत कम आता है। ये कब होता है, जब हमारा दो मीडियंस परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो आप ए बी का पुट कर दीजिए, 19 स्क्वायर मीन्स 361 और ए सी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 484 बट्टा 5। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर ये हो गया, दोनों को जोड़िए तो 4 1 5, 8 से 14 और 3 1 4 8, 4 8 बट्टा 5, सॉल्व करोगे तो 169 हो जाएगा ये। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 169, तो बी सी वाली कितनी आ गई दोस्तों, 13। अब इसको दोस्तों पूरी तरह मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिले। ओके, ड्राइव करने पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ट्राइंगल छोटा को बना देते हैं ताकि जगह मिल जाए। ठीक है, तो 90 डिग्री पे कट रहा है, ठीक, और दोनों साइड बराबर, दोनों साइड बराबर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, तो अब 1 सेकंड रुकिए, तो जो हमारा बी ओ है, सेम ओपन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बी ओ होगा वो 2/3 बी ही होगा। ठीक है, जो हमारा सी ओ होगा वो 2/3 सी एफ होगा। ठीक है, और मीन्स हम अगर हम ट्राइंगल बी ओ से देखेंगे, ट्राइंगल बी ओ से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल है, तो इसमें लगा दीजिए आप क्या, पाइथागोरस थ्योरम, तो बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको पुट कर दोगे तो ये 4/9 आ जाएगा, आप पुट कर देंगे बी ओ की वैल्यू सी ओ की वैल्यू, तो 4/9 बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, उससे हमारी इक्वेशन हो चुकी है, अब इसको पूरी तरह इक्वेशन लिख कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू 9/4 बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों पहला इक्वेशन है। ठीक है, अब लगाते हैं अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम होते हैं मीडियंस के लिए, तो मीडियन बी लेते हैं, मीडियन बी के लगाएंगे तो हो जाएगा बी ई, ओके, हो जाएगा ए बी स्क्वायर
बी सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इसी को सी एफ के लगाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, वन सेकेंड, हाँ वन सेकेंड, हाँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू टू ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस प्लस ए एफ स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा ए ही है वो हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है, जो ए ही है हाफ ऑफ ए सी है, और जो हमारा ए एफ है वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। इनको आप पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है, इनको जोड़ दो, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को जोड़ लो, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर, और सी एफ स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर सी एफ स्क्वायर क्या है, बी सी 9/4 बी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो टू इंटू 9/4 बी सी स्क्वायर प्लस, और जो हमारा ए स्क्वायर क्या है, 1/2 ए सी, और ए एफ क्या है, 1/2 ए बी, तो जगह टू इंटू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक, ठीक है। तो अब कट एंड क्विट करते हैं, 2 से 2 जाएगा और 2 से 2 जाएगा, ठीक है। और अगर पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे ब्लू पेन से करता हूँ, जगह कम बची है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे क्वेश्चन में, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हट जाएगा और ये 2 हट जाएगा, ठीक है। मीन हमारा डिनोमिनेटर बचा नहीं है, तो आप देख सकते हैं 2 ab² है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इस ए बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आओगे तो ए बी स्क्वायर बचेगा, वैसे यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ तो सिर्फ एक एक ए सी स्क्वायर बचेगा। देखिए यहाँ पे 9 bc² है, हाँ 4 bc² है, तो इक्वल टू 5 bc² जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए हमारा डेरिवेशन भी हो चुका है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, एक बार कॉपी में ढंग से कर लीजिएगा आप तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 cm विद सेंटर ओ। तो पहले हम एक सेंटर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, पी क्यू कॉर्ड है और कहने की रेडियस 5 cm का सर्कल है, टेंजेंट एट पी एंड क्यू, तो पी पे एक टेंजेंट बना दो और क्यू पे टेंजेंट बना दो, दोनों मिल जाके मिलके टी पे मिल रहे हैं, ये हमारा टी हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ टी पी इज, तो आप पी क्यू मिला लो, ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ठीक है, इस पॉइंट को मिला लो यहाँ पर, इसे एस मान लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है और ये ओ है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ टी पी बताओ, दोस्तों जो ये टी पी का जो लेंथ होगा वो होगा, पहले आप मान लो पी क्यू 2a, अगर पी क्यू 2a हुआ, इसकी वैल्यू कितनी है 8 गिवन है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, मीन्स पी एस की वैल्यू 4 हो गई और एस क्यू की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। वैसे ही ओपी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ऐसे डायग्राम में याद करिएगा, ये होता है ए आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, याद कर रख लीजिएगा क्योंकि वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5 है, तो पुट कर दीजिए अपॉन रूट 5² माइनस 4², तो जाएगा 20/3 हमारा आंसर, ठीक है। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं, आंसर आपको चल के पता, याद रखने के लिए बोला था मैंने आपसे, आप ट्राइंगल ओ पी एस और ट्राइंगल ओपीटी में देखिए, ओ टी पी में, ठीक है, यहाँ पर एंगल पी ओ एस सिमिलर टू एंगल पी ओ सिमिलर टू एंगल टी ओ पी, दोनों में ओ कॉमन है, ठीक है, तो दोनों एंगल बराबर है, वैसे ही एंगल ओ एस पी, ओ एस पी में 90 डिग्री है, ओ एस पी इजल टू एंगल ओ पी टी, ओ पी टी ये भी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, हमारे दो एंगल बराबर हो गए हैं, एंगल बराबर करना था, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ट्राइंगल ओ पी एस ओ एस पी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ टी पी ओ पी टी, ठीक है, मैंने ओ एस लिख दिया था, ठीक है। अब दो साइड कॉमन लेते हैं, पी एस अपन ओ एस, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गया, यहाँ पे आ गए हम, पी एस अपन ओ एस इक्वल टू टी पी अपन ओ पी, ठीक है, तो मैं टीपी निकाल लिख लो, टीपी इक्वल टू पी एस अपन ओ एस इंटू ओ पी,
पीएस कितना दोस्तों, पीएस हमारा ए हो गया, ओपी कितना हमारा, ओपी आर हो गया, और ओएस कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। दोस्तों हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, तब इसको यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आप याद कर लीजिए इसे, ऐसे डायग्राम के लिए आप अगर फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। दोस्तों हमारे चार क्वेश्चन समाप्त होते हैं, उम्मीद है आपको चारों समझ आ गए होंगे, और एक बार आप पेज में कर लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, नेवर नाइस डे।